नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। खबर सीतापुर से है, जहां महोली विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए सपा बसपा व कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने सपा बसपा और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस जुमलों की सरकार है, जिन्होंने अभी तक कोई भी वादे पूरे नहीं किए। ऐसे में अगर उनकी सरकार एक बार फिर से आती है तो यूपी की जनता त्राही त्राही करेगी। इस सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ती है भाई। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान का झंडा बुलंद है। कमल निशान का रायबरेली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का वादा किया, वो करके दिखाया। साथ ही समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना और कहा कि भ्रष्टाचार को समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं ने बढ़ावा दिया। साथ ही पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कई सीटें ऐसी हैं जिन पर बड़े बड़े नेता मैदान में हैं। ऐसी ही सीट करहल की है, जहां पर एसपी सिंह बघेल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच निर्णायक लड़ाई है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने प्रेसवार्ता करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की। से करहल के प्रत्याशी श्री एसपी बघेल जी, और इन्होंने आज पूरे दमखम से ये लोगों को बताया है कि वो वहाँ पे अखिलेश यादव से जीत रहे हैं वो सीट। सर ये बताइए, आपने बताया है कि कुछ बूथ जो हैं वो कैप्चरिंग हुई हैं, तो आपका जो मार्जिन है क्या वो कुछ वोटों से घट रहा है या अभी भी आप उस पर अपील करके वापस से उनको वापस से रिबूट करवाएंगे? राजनीतिक लफाजी कभी नहीं करता कि कोई वो कह के गए थे 1.5 लाख से जीतेंगे, तो 1.5 लाख से जीतने वाले को छठवें दिन नहीं आना पड़ा, फिर एक बार दोबारा आए। अखिलेश यादव से ये पूछूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण बात रह गई है आपके माध्यम से, उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा का नाम लें जिसमें वो 2 बार हेलीकॉप्टर से गए, और जब वो सर्वश्रेष्ठ थी तो 2 बार क्यों गए, इसको क्या इसका अर्थ है? फिर पिताजी को लेके क्यों आए? फिर डिंपल यादव जी और अक्षय यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, रामगोपाल जी, तेज प्रताप जी वोट मांग रहे हैं, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? तो मार्जिन तो कम होगा। हाँ, मैं प्राइम टीवी से बात करने के लिए सर। जनपद सिद्धार्थनगर मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन तरह तरह के कवायदे करने में जुटी हुई है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ा सके और हर मतदाता सही उपयोग कर सके जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल करौदा मशीना मतदान स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी ने मतदान स्थल पर तैनात कर्मचारियों पर नाराजगी जताई और फॉर्म 12 को लेकर जिम्मेदारों को फटकार भी लगाया और संबोधन को निर्देश करते हुए कार्यों में गति देने के निर्देश दिए। लगभग 11,000 जो हैं वो निर्वाचन में कार्मिक लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस, होमगार्ड और युवक मंगल दल के भी जो सभी लोग ड्यूटी में लगे हैं, लगभग जो इस जनपद के हैं लगभग 1,500 के आसपास हैं। तो हम यही प्रयास करें कि जो भी यहाँ के वोटर हैं और यहाँ इस जनपद के निवासी हैं तो उनका वोट आवश्यक डले, तो उसी को बढ़ाने के प्रयास में आज जो ट्रेनिंग है 21 से 25 तारीख तक जो है पोस्टल बैलेट का व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो यहाँ ट्रेनिंग करेगा वो साथ साथ अपना मतदान कर सकता है।
खबर फरीदाबाद से है, जहां नेशनल हाईवे स्थित रेलवे ओवरब्रिज के साथ लगती कॉलोनियों के सैकड़ों लोग आज रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान न करने पर विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि वर्ष 2016 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इन कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए रेलवे ट्रैक के साथ लगी दीवार का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी लोग रोजाना रेलवे ट्रैक से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और ट्रेनों की चपेट में आकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। एक पार्षद के पति का पार्षद पति के कहने पर रेलवे ट्रैक पर पहुंचे ये लोग वापस अपने घर लौट आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रशासन से अपने पार्टी के मंत्री जीओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं, एक इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इमीडिएटली इसका समाधान करने की कोशिश करें, कोई रास्ता दिया जाए, जनता को रास्ता दिया। जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, मुझे भी जबरदस्ती उठाए के ले आए, बोलो आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, आप हमारे साथ चलो, नहीं हम कुछ भी करने के तैयार हो जाएंगे। तो मैं लोगों ने समझा बुझाए के लोग ट्रक में पहुँच गए, मैं लोगों ने समझाया के लाया हूँ, हम आपकी बात आगे तक पहुँचाएंगे और आप जल्दी रास्ता दिलाने का काम करेंगे। वादे से मुकर रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं नीचे जो सर्वे करते हैं उनको यहाँ जगह नहीं मिली, लेकिन आज जगह के लिए हमारे पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनसठ से और ट्रांसपोर्ट नगर से केवल एक ट्रैक बीच में जो 100 फुट 150 फुट का है यही बचा हुआ है। इधर भी 100 फुट का रोड बना हुआ है, उधर भी 100 फुट का रोड बना हुआ है, इसमें और कोई आपत्ति आने वाली है नहीं है, ना कोई ऑब्जेक्शन आएगा। एक बात और कहूँगा मोदी जी से, मेरी बात मोदी जी तक पहुँचनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक शब्द कहा था जब हमारे यहाँ KMP KGP मोदी जी ने बनवाया था कि इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, ये रोड बनवा रहे हैं इतने पैसे कहाँ से आएंगे। हमारे मोदी जी ने तुरंत उनका जवाब दिया था कि रास्ते बनवाएंगे, पैसे तो अपने आप आएंगे, तो हमारे विकास के लिए पहले रास्ता बनवाया जाए उसके बाद पैसे आएंगे। खबर आजमगढ़ से है, जहां शराब बनी मौत का कारण। आपको बता दें सरदार वल्लभ भाई पटेल निवासी 3 युवकों की शराब पीकर हालत नाजुक हो गई। परिजनों के मुताबिक युवकों को खून की उल्टी हुई और 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और कुलपति आनंदीबेन पटेल आज वेटनरी विश्वविद्यालय पहुंची, जहां दीक्षांत समारोह में शिरकत की, वहीं उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर दीक्षा समारोह में आयोजन का शुभारंभ किया। वहीं पूर्व कुलपति दिव्यांशु प्रोफेसर AP सिंह कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। दीक्षांत समारोह में VVSC के कुल 64 छात्र छात्राओं यानी 44 छात्र और 20 छात्राओं को कुलपति द्वारा दीक्षांत प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त BVSC के छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एवं ब्रांच मेडल देकर सम्मानित किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य और प्रदेश के अध्यक्ष आह्वान पर पूरे प्रदेश में बाइक यात्रा निकालकर लोगों को जागृत करने का काम युवा मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। नगर विधानसभा के पश्चिम मंडल विंध्याचल युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में 5 बाइक के साथ बाइक यात्रा निकालकर लोगों से वोट की अपील की। जनता से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार हम लोग उत्तर प्रदेश में पुनः भगवा लहराने का काम किए थे पिछली सरकार में 2017 में, अखिलेश को पता नहीं था कि हमको इस तरह का उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। उसी प्रकार जनता ने पुनः मन बना लिया है कि 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला के पूरे देश को भगवा में फिर बना देंगे। अभी आप क्या सोच रहे हैं, तीसरा चरण का चुनाव बीत चुका, अभी 4 चरण और बाकी है, क्या आगे का माहौल रहेगा? आगे का माहौल भी अच्छा रहेगा, जो चुनाव बीते हैं उसमें भी हम लोग अच्छे से प्रतिभाग किए हैं और पुनः दान पेटिका खुलने पर 59 सीट में लगभग 50 सीट हम लोगों की रहेगी। एक तरफ जहां जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार शहरों में रिंग रोड, फ्लाईओवर और बाईपास का निर्माण कर रही है, वहीं बलरामपुर जनपद में जाम की समस्या उग्र रूप भी ले रही है। बलरामपुर जनपद के शहर से सटे हुए क्षेत्र में चीनी मिल स्थित है, जिसके वजह से आए दिन गन्ना वाहन जाम की समस्या बनते हैं और इन कारण वाहनों के वजह से लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में आज गन्ना वाहन गोंडा गोरखपुर रेलवे ट्रैक के बीच में ही गन्ना वाहन
फंस गया, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक भी घंटों तक बाधित रहा। विकासखंड अमौली के गौरीपुर स्थित बीज विज्ञान केंद्र में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर द्वारा आयोजित उद्यान की फसलों में विपणन का किसानों के लिए प्रशिक्षण शुरू हुआ। सोनियों के द्वारा आयोजित उद्यान की फसलों में विपणन का किसानों के लिए प्रशिक्षण शुरू हुआ। 26 फरवरी तक चलने वाले प्रशिक्षण के पहले दिन जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड प्रशून चंद्र ने किसानों को उद्यान की फसलों के मार्केटिंग की जानकारी दी। यूपी पुलिस मुख्यालय लखनऊ में तैनात महिला सिपाही रुचि सिंह की हत्या के आरोप में प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज में तैनात तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी तहसीलदार और महिला सिपाही के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लखनऊ पुलिस ने आरोपी तहसीलदार और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं महिला सिपाही का शव आज बिजनौर में उनके पैतृक गाँव पहुंचा। शव के गाँव में पहुंचने पर गाँव में कोहराम मच गया। इसी के साथ परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। और वो साबित भी हो रहा है, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में, जहां राजधानी। क्या मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या ये बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल बिजनौर की रहने वाली कुछ दिनों से लापता थी, अब पीजीआई के नाले में उसकी लाश मिली है। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल महिला की मौत हुई, उसको किस तरीके से मारा गया, कितने दिन लापता रही। धर्मपाल सिंह चौहान मावतपुर बिल्लोर से, ये लड़की रुचि योगेंद्र कुमार की लड़की थी, इसका सिलेक्शन पुलिस में 2019 में हुआ था और ये पहले पोस्टिंग थाने में मिली, उसके बाद लखनऊ जो हेड ऑफिस है डीजीपी उस कार्यालय में सर्विस कर रही थी। और इसकी हत्या जो है जघन्य अपराध हुआ है इसकी बच्ची के साथ, और पूरा गांव जो है रोष व्याप्त है और पूरे गांव और पूरा परिवार ये चाहता है कि जो जिसने ये जघन्य अपराध कराया उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा और सजाए मौत मिले उसे। संभल छोटा जिला बार एसोसिएशन संभल का वार्षिक चुनाव की वोटिंग का दिन था, जिसमें अध्यक्ष पद और शपथ पर वोट डाले गए, जिसमें मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट अध्यक्ष पद पर कायम हुए और कैशियर पद पर कमलेश रानी एडवोकेट विजय हुई और मोहम्मद उमर अलवी एडवोकेट निर्विरोध मनोनीत किए गए, जिसमें मोहम्मद उमर अलवी एडवोकेट ने सचिव पद पर कामयाबी हासिल करने पर अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अधिवक्ता हित में काम करूंगा और नवसृजित थानों का मजिस्ट्रेट ट्रायल संभल में लाने का काम करूंगा। देखिए यहाँ पर जो है जिला बार उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के उस पर अकॉर्डिंग जिला बार एसोसिएशन संभल का ये चुनाव किया गया, वार्षिक चुनाव सन 2022-2023 का अंतर्गत। अब सचिव पद पर मैं निर्वाचित हुआ हूँ और मेरे प्यारे भाइयों का, सबका, जितने भी एडवोकेट्स हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत दिया और मुझे निर्विरोध इसमें कामयाबी हासिल कराई। मुझे मैं सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या कहेंगे सर? देखिए मैं जो मुझे उन लोगों ने चुना है, इनकी मुझ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि मैं अपने एडवोकेट्स के हित में काम करूं और जो यहाँ पर परेशानी है उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए पूरा काम कराऊं। और दूसरा ये है कि संभल ज़िले के अंदर जो नए वो जो थाने बनाए गए हैं, सृजित किए गए हैं, उनका मजिस्ट्रेट ट्रायल संभल जो मुंसफी है यहाँ पर लाने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ की जो समस्याएँ हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। अपने जूनियर्स का, अपने सीनियर्स का और अपने सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिए, मुझे नवाजा इस अध्यक्ष पद के लिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने इस न्यायालय के काम के लिए कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाइयों को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें हम लोग, इसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार और अपने भाइयों का कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए नवाजा और उन्हें कोई ठेस नहीं पहुँचने दूँगा इंशाल्लाह।
देश में कुछ चुनिंदा लोग नफरत की आग फैला रहे हैं, वहीं मुस्लिम कारीगर मोहम्मद आरिज पिछले कई सालों से कावड़ बना रहे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहे हैं। बता दें कि मोहम्मद आरिज पिछले कई सालों से महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्तों के लिए अपने हाथों से कावड़ बनाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। जनपद के महाराजगंज चौकी के अंतर्गत महाराजगंज बाजार में एक कपड़ा व्यवसायी की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड और लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। महाराजगंज बाजार के सबसे बड़े सेठ थे विजय कसौधन जी, उनकी दुकान में सार सर्किट से आग लग गया है और 1 करोड़ से ज्यादा के सामान का नुकसान हुआ है। सब जल गया है और आपको पता है जब आग लगती है तो घर में झाड़ू भी नहीं बचता है। ग्रामीणों के संग आप भी आग बुझा रहे थे, तो अंदर क्या किसकी दुकान थी, किसकी दुकान के थे वो? सब कपड़े की दुकान थी, तरह तरह का तमाम तरह का सामान था, चूँकि बहुत बड़ी दुकान थी। जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े सेठ थे महाराजगंज से, पुरातन रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी से उनका यही काम था, यही व्यवसाय था। मेरे अंदाजा से तो 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है। साफ कपड़े जितने भी तरह सामान थे सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हमको नहीं पता कैसे आग लगी है, हम जब आए देखे थे भर 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 जल रहा था, ऊपर पूजा कर लगभग करोड़ों का नुकसान हुआ है मकान लेकर के। कोई जान क्षति नहीं हुई है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सब भाग निकल गए थे ऊपर ऊपर। तो किस चीज़ की दुकान थी? कपड़े की थी। कपड़े की दुकान थी। कितना दिन से कर रहे थे यहाँ पे? जब से बाजार बसी तब से है। 50 साल से कर रहे हैं। गाजियाबाद के एसएसपी कार्यालय परिसर में अचानक उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक दंपति ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया। आनन फानन में मौजूद पुलिसकर्मियों ने समय रहते ही उन्हें आग लगाने से रोक लिया। पीड़ित दंपति का थाना कविनगर पुलिस पर आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ दबंगों की दबंगई की शिकायत स्थानीय पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण परेशान होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। एक व्यक्ति है राजेश चौधरी जी, और उनकी धर्मपत्नी राधापुर गांव से। उनका ये कहना है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी गांव के कुछ लोगों के खिलाफ, उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। उनकी एप्लीकेशन से जांच करवाई गई थी, चौकी चार्ज की जो रिपोर्ट आई है उसमें मामला रंजिशन बताया गया है एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप आरोप लगाने का, और उनके आरोप सही नहीं पाए गए थे। लेकिन उनका कहना है कि हमारे आरोपों की सही से जाँच नहीं हुई, उसमें अग्रिम स्तर पर रजिस्ट्रेड ऑफिसर को मौके पर भेज के इसकी जाँच करवाई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे कि किस पक्ष का क्या कसूर है, आरोप प्रत्यारोप हैं उनमें कितनी सत्यता है, और ये जो कार्रवाई हुई है उसके गहराई में जाते हुए देखा जाएगा कि वास्तविक इसके बेस में, इसके आधार में कैसे कारण है जिनकी वजह से ये इस तरीके की कार्यवाही यहाँ पर हुई है, इसको गहराई से छानबीन करवाई जाएगी। गाजियाबाद में साइबर ठगी एक बार फिर से सक्रिय हो गया। साइबर ठग आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में थाना विजयनगर इलाके की प्रताप विहार कॉलोनी में रहने वाले एक कारोबारी को साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया। 3 बार से कारोबारी के खाते में 25,000 निकाल लिए गए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाना विजयनगर और साइबर सेल में की है, और पूरे मामले की कड़ी जाँच की जा रही है। जल्दी शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं F385 सेक्टर 11 प्रताप विहार में रहता हूँ। यूनियन बैंक में मेरा खाता है। साइबर ठगों ने 3 बार में 25,000 रुपये मेरे निकाल लिए हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।